अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के डेरा कार सेवा में, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान आज एक बार फिर से डेरा कार सेवा में इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारतीय किसान यूनियन लगातार अपने यूनियन का विस्तार करता हुआ नजर आ रहा है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ करनाल से जपजीत सिंह हैं, जिनको युवा प्रधान करनाल जिले से बनाया गया है और इनकी नियुक्ति जगदीप सिंह औलख ने की है। यहाँ से जिला प्रधान भी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे और किसान नेता भी हैं जगदीप सिंह औलख। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि कल की तिरंगा यात्रा को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की वो तिरंगा यात्रा रही। सर, क्या बताना चाहेंगे कल की तिरंगा यात्रा को लेकर और आज जपजीत सिंह को यहाँ पर करनाल का युवा प्रधान बनाया गया? कल की तिरंगा यात्रा बहुत सफल रही है, पूरे करनाल में हजारों मोटरसाइकिलों पर हजारों लोग इसमें शामिल हुए, बिना अपने दम पर शामिल हुए। हमने भाजपा की तरह, जैसे उन्होंने मनरेगा मजदूरों को या और तरीके से संस्थाओं पर दबाव डाल के लोग इकट्ठे किए, यहाँ पर सभी किसान लोग अपनी मर्जी से आए थे कल की तिरंगा यात्रा में, हजारों की संख्या में आए। ये पहली बार हुआ देश आज़ाद होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में किसान आए हैं, तो आज उसी बहुत सफल आयोजन रहा करनाल में कल का। और साथ ही साथ ही ये भाई हमारा जपजीत सिंह राजा संधु, ये लंबे टाइम से ये पूरी युवा टीम प्रेमनगर रामनगर से करनाल में हर मौके पर इन्होंने पिछले नौ में आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन का हिस्सा हैं। तो आज इनको करनाल शहरी का युवा प्रधान बनाया गया है और ये सारे इससे यही होगा, जितने युवा साथी हैं उनको यूनियन के साथ जोड़ना और यूनियन को और मजबूत करना, क्योंकि गांव में हमारी यूनियन बहुत मजबूत है। अब हमने शहर को टारगेट किया है, वही शहर में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये लड़ाई के लिए गांव वालों की नहीं है, शहर वालों की भी है। सर, किसान आंदोलन की बात की जाए, लगातार अखबारों में ये खबरें निकल कर सामने आ रही है, नेशनल मीडिया में खबरें निकल कर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिंघू बॉर्डर की बात करूँ, वहाँ से बहुत सारे परिवार जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी या फिर आर्थिक उनको दिक्कत आ रही थी, परिवार में पीछे से दिक्कत आ रही थी, वो पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये तो एक बीजेपी के आईटी सेल का प्रचार है। कल यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकली, पूरे हरियाणा ने देखा, पूरे करनाल ने देखा, आंदोलन हमारे में करंट पहले से ज़्यादा है। कल हजारों मोटरसाइकिलों का आना संध यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, हजार से ऊपर मोटरसाइकिल आई है, कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा आयोजन तो भाजपा से भी नहीं हो पाया, यदि भाजपा की 2000 लोग थे तो हमारे कल 8 से 10 हज़ार लोग थे। आंदोलन पूरा मजबूत है, ये तो सिर्फ एक आईटी सेल है जो बीजेपी का, वो इस तरीके का प्रचारित करता है। नहीं लगता सर, 26 जनवरी की बात की जाए, उसके बाद कल 15 अगस्त की बात की जाए, महीनों महीनों डेढ़ डेढ़ महीनों कोई हरकत नहीं होती किसान आंदोलन में, ऐसा भी चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन और तरीके का आंदोलन है। अब देखो, आंदोलन इतना लंबा हो गया है, ये आंदोलन हरियाणा पंजाब से निकलकर पूरे देश में फैल गया है। आज आप बात करो देश के हर हिस्से में, अब किसान संसद चली है, उसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, हर जगह से किसान आए हैं, तो आंदोलन तो बहुत मजबूत है। अगला टारगेट उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है और आज की जो मोदी सरकार है उस चीज़ से डरी हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी जैसे बंगाल में इनको हार मिली है वैसी। करनाल जिले से 23 साल के सैनिक बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए हैं, और परिवार वालों ने ये आरोप लगाए थे, काफ़ी गंभीर आरोप थे, कि कोई नेता कोई विधायक उनके घर तक नहीं पहुँचा। देखो, वो भाई करनाल से नहीं है, हिसार जिले से है, उसका नाम है सुरेंद्र सिंह और वो 10 अगस्त को शहीद हुआ था आतंकवादियों से मुठभेड़ में। तो उसके परिवार के पास हमारे कुछ साथी गए थे, उसके बड़े भाई के साथ मेरी भी बात हुई, 23 साल की उम्र में शहीद हुआ। जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही, भाई उनके घर उसके संस्कार पे ना तो कोई इस सरकार का नेता पहुंचा, ना ही कोई अफसर पहुंचा, सिर्फ आर्मी के ऑफिसर आए हैं, उन्होंने संस्कार करवाया है, तो परिवार को किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद नहीं। दूसरी तरफ ओलंपिक मेडल लेके आए हैं हमारे खिलाड़ी, हम मानते हैं बहुत अच्छा किया, देश का नाम किया, उनको 6-6 करोड़ दे रहे हो, पर वो जो मेडल लेके आया शहादत का 23 साल की उम्र में, उसका भी तो कुछ ना कुछ बनता होगा, ये सोचने का विषय है। इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए, जो ये शहादतें हो रही हैं, इन शहीदों का दर्जा हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों के बराबर रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये हमारे कल का जो हमारी तिरंगा यात्रा थी, हमने उसकी शुरुआत शहीद सुरेंद्र सिंह की श्रद्धांजलि देकर ही शुरू की, उसका मकसद यही था, इनको सरकार बुला ना दे, हमारे लोग बुला ना दे, उनका बहुत बड़ा त्याग है, 23 साल की उम्र में शहीद हुआ है, ये हमारा कल का, इसी वजह से उनको श्रद्धांजलि दी गई।
भाई उनको याद किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कल की तिरंगा यात्रा एक बेहद सफल यात्रा रही, और सबसे बड़ी बात 8 से 10 हजार युवा किसानों की मैं बात करूं तो इस तिरंगा यात्रा में बाइक रैली निकालते हुए नजर आए। और अब हम जुड़ेंगे जपजीत सिंह से, जिनको कल टोल प्लाजा पर करनाल शहर का युवा प्रधान बनाया गया, लेकिन आज यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि जो डेरा कार सेवा से बाबा जी, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। सर क्या बताना चाहेंगे, आज आपको करनाल शहर का युवा प्रधान चुना गया और यहाँ पर आज आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जी से पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, जो हमें जिम्मेवारी दी है वो हम पहले भी निभा रहे हैं और आगे और बढ़ चढ़ कर निभाएंगे, शहर के युवाओं को जोड़ेंगे। और वैसे भी बेनती करते हैं, जो ये सिर्फ किसानों का नहीं, जो जो अन्न खाता है, जो जो रोटी खाता है घर बैठे, उन्हें सबको बेनती करेंगे कि आप उठो, आज नहीं आवाज़ उठाओगे घर आपके घर के जब अटैक होगा तब भी देखोगे, महंगाई बढ़ रही है अब आपको पता ही है, तो घर बैठने से तो नहीं कुछ होगा, आज हमारी ज़मीनों पर हो रहा है, कल आपके घरों पर भी होगा, फिर भी उठ के आओगे? तो आज ही उठ के आओ, आज ही जब राजा बेईमान हो जाता है तो प्रजा को खुद ही खड़े होना पड़ता है, यहाँ तो राजा को भी शहर में आने से पहले अपना सारा शहर बंद करना पड़ता है, वो भी शहर में आ ही नहीं पा रहे, सारा पहले तो 2 दिन पहले नाके लगा देते हैं, वो खुद तो डरे बैठे हैं, वो क्या संभालेंगे, अब प्रजा के ही हाथ में कमान है तो हम ही चलाएंगे, सारा के हाथ में ही कमान है। और किस तरीके से अब कमान जपजीत सिंह के हाथों में, जिनको करनाल शहर का युवा प्रधान बनाया गया। एक बार फिर से हम जगदीप सिंह औलख के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। सर लाल किले के बाहर जो कंटेनर लगाए गए हैं, आपको नहीं लगता कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद से ही ऐसा काम हो रहा है और अभी भी डर का माहौल बना हुआ है? डर का कोई मोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाजपा ने 1 अगस्त से तिरंगा यात्रा हरियाणा में शुरू की, 1 से 14 अगस्त तक उनकी तिरंगा यात्रा चलनी थी, किसान नेताओं ने 31 जुलाई को ही क्लियर कर दिया था भाई तिरंगा यात्रा का हम कोई विरोध नहीं करेंगे, और किया भी नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी गोंडा आए हुए थे, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में भी गलत सलत बोला है, तो इसी वजह से आप आए, उनके हाथ में तिरंगा था, किसानों ने विरोध नहीं किया। तो 15 अगस्त आज़ादी दिवस में सबसे ज़्यादा बलिदान किसान कौम का रहा है, देश को आज़ाद कराने में भी। सवाल तो, था उनका यही कहना था कि तिरंगे के प्रति सभी का प्रेम होता है, सभी का मान सम्मान होता है। हाँ बिल्कुल, तिरंगे के मान सम्मान के लिए विरोध नहीं किया गया था और ना ही 15 अगस्त पे कुछ ऐसा करना था। हमने तो इस बार आंदोलन में थे, पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों ने इस बार तिरंगा यात्रा और खुद इस आज़ादी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया, पूरे हरियाणा में मनाया गया है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर लोग नहीं निकले, और बहुत बड़ी संख्या में निकले हैं, बड़े जोश के साथ निकले हैं। तो बड़े जोश के साथ कल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा किसानों के तरफ से निकाली गई थी, बाइक रैली निकाली गई थी, हजारों की संख्या में किसान उसमें जुड़े थे। लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बड़ी बात होगी कि आखिर किसान आंदोलन में आखिर आने वाले समय में देखने को क्या मिलने वाला है और नया क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आज एक बार फिर से तमाम जो किसान है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं डेरा कार सेवा में, क्योंकि जपजीत सिंह को करनाल शहर का युवा प्रधान नियुक्त किया गया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।